बड़े 4 साल योगी आदित्यनाथ के, आप 10 में से कितने नंबर देंगे और कौन से काम आपको बढ़िया लगे? मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा उनको, 100 नंबर दूंगा। आज इससे 5 साल पहले, आज कहते हैं बाबा ये नहीं किया, आज वो 5 साल इससे पहले चले जाए, सड़कों का गड्ढा देखिए, हाल देखिए क्या था। आज बाबा ने आया, इस गड्ढे को भरा, हर माफियाओं को सही किया, हर सुरक्षा लूट अपहरण महिलाओं को सुरक्षा दिया। इसको मैं आदरणीय महाराज जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इन सराहनीय करना चाहता हूँ, ऐसा सीएम अगर जो हमें चाहता हूँ, हमारा उम्र बीती है तब भी मेरा बाल बच्चे इनको वोट देते रहे, और सीएम ये ताकत पे एक ताकतवर एक राष्ट्रीय हिंदुत्व को जो लेकर चलेगा, मैं उसके साथ रहूंगा। महाराज योगी आदित्यनाथ की जय। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, पुनः जो अखिलेश यादव सफाई में 3 करोड़ का जो सम्मेलन महा वो करवाते थे, हीरोइन को बुला के हर चीज वो करवाते थे, आज क्या हो रहा देश में, सब पूरे गड्ढे भर गए हैं। आज वो बाबा ने गड्ढे का भरने का काम किया है, 2 साल तो कोरोना खा गया, नहीं तो बाबा आज इस बुलंदी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कसम खाए हैं। अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए 70 साल के अंदर, ऐसा कोई मुख्यमंत्री भी आया ही नहीं जिन्होंने शासन को बहुत सही तरीके से लेके चल रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा, हर जिला में एक उत्पादन, विदेशी तमाम संस्थाएं, मिलिट्री का कॉरिडोर, और कोरोना को इस तरह से नियंत्रण किया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार भी योगी की डिमांड करने लगी, WHO ने डिमांड किया, हाई कोर्ट ने इनकी तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी तारीफ की, और तारीफ ही तारीफ, और नौका पर बैठ करके इतना रिस्क ले करके इन्होंने भ्रमण किया, बाढ़ को नियंत्रण में किया, और जो कुंभ का मेला लगा, अब तक ऐसा कोई इंतजाम नहीं हुआ था जब से भारत में स्वतंत्रता आई है, और आगे भी ऐसा ही इंतजाम होगा। रामलला का जो मंदिर है उसकी देन केवल योगी पीठ ही है। सबसे पहले इन्होंने मुकदमा किया, और योगी जी अगर नहीं आए होते तो फैसला नहीं होता। इन्होंने 500 ट्रांसलेटरों को लगा करके सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराया, और जब भी जरूरत पड़ी किसी की ट्रांसलेशन की तो तुरंत मुहैया कराया गया, और उन्हीं की देन है आज की। विपक्ष कह रहा है कुछ कर ही नहीं पाए, सिर्फ बातें रह गई। विपक्ष क्या कर दिया था अखिलेश 70 साल में? 70 साल में क्या कर दिए अखिलेश? एक भी हिंदू स्थल पर 5 साल में नहीं गए, इन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे केवल, और क्या किए ये? योगी आदित्यनाथ जी के 4.5 साल पूरे हो गए हैं, उनको कैसे देखते हैं? कितनी अच्छी व्यवस्थाएं इन 4.5 सालों में रही पहली जो सरकारें थी उनके मुकाबले? इन 4.5 साल में हमें तो ऐसा लगा कि हमें पहले ये सुनने में आता था कि रामचंद्र जी का जो राज था वो बहुत अच्छा राज था, लेकिन इन 4.5 साल में हमें ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम का राज जो है दोबारा उत्तर प्रदेश में आ गया। अच्छा। देखिए ऐसा लग रहा कि योगी जी ने तमाम राक्षसों को ख़त्म कर दिया और देवताओं का वास हो गया दोबारा उत्तर प्रदेश की भूमि पे। अच्छा। इन 4.5 साल में अगर हम रास्ते की बात करें तो हमें ऐसा लगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सड़कें बन रही कि चंद दिनों के बाद जो है पेरिस से भी अच्छा उत्तर प्रदेश होगा। पहले की जो सरकार थी, अगर हम यहाँ से चलें श्यामली से या कैराने से, तो सहारनपुर जाने में लगभग 4.5-5 घंटे लगे थे, लेकिन अब सहारनपुर जाने में हमें नहीं लगता कि 1 से 1.5 घंटे से अधिक टाइम लगता हो। अच्छा। तो योगी जी के राज में जो है बिल्कुल एक इतना सुंदर वातावरण, खासकर अगर मैं कैराने की बात करूँ तो यहाँ से लोग जो है पलायन कर करके कैराना छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो पलायन करके थे लोग वो तो वापिस आए, लेकिन इसके अलावा भी जो है इधर उधर से लोग कैराना में दोबारा आने के जो है रहने लगे, तो इतना अच्छा वातावरण योगी सरकार में है। कि इस सरकार में जो है गुंडे माफिया खुद ही डर रहे हैं कि हम फिरौती कैसे मांगे, क्योंकि योगी सरकार ऊपर ही भेज देते हैं सीधा उनका यही काम है, क्योंकि वो गुंडे माफिया इतना दब के बैठे हुए हैं कि उनका हिम्मत ही नहीं कि फिरौती मांग ले हमसे 10 रुपए भी। हमारी गाड़ी वहाँ चौराहे पर लगी है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत है कि इस सरकार में मेरी गाड़ी नहीं उठेगी, क्योंकि कैमरे से पूरा लैस है ना ये, तो बाकी सरकार अगर से होती तो मेरी गाड़ी वहाँ से उठ चुकी होती क्रेन वगैरह से। मतलब आप मतलब रिक्शा चलाते हैं और चाबी रिक्शा में छोड़ कर आ गए जी, और आप कह रहे हैं कि कोई चोर डकैत उसको उठाने वाला नहीं। उठाने की हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा बंदोबस्त कर रखा है। इस बार लग रहा आपको दोबारा रिपीट कर पाएंगे योगी? इससे क्या, तिबारा भी रिपीट करेंगे वो, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि लेडीज और महिलाओं को उन्होंने न्याय इतना अच्छा दिलाया है कि जिसकी वजह से लेडीज और महिलाएं मुस्लिम हो या हिंदू या कोई जात की हो उनको सपोर्ट ही करेंगी। मौलाना अपनी मतलब जो है जो मौलाना टाइप में है, जो अपनी रोटियां सेकते थे उनकी चूल्हा ही बंद हो गया।
जो अनुभव लिया ना पब्लिक ने, जैसा मायावती के थे पहले 6 महीने इनका गठबंधन से सरकार बनी, 6 महीने तो कितना बढ़िया काम कर ने, जी पूर्ण बहुमत आई 22 तो मिल बेच के खाएगी, चल प्रोपर कुल्लू पर टैक्स ला गए और उन्हें बंद करेगी, समझ गया। और जी यहाँ ये भेज दिए मिल वाले, वहाँ जाओ परमिट वहाँ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हाई कोर्ट में भेज दिया किसानों को बंदे ले लिया परमिट, ये तो कराया मायावती ने, समाजवादी ने कराया यूँ और गुंडागर्दी का सबने पता था कि हाल हो रहा था। दिल्ली दर से अनपुर लोग की सड़क कह दिया पास होगी, जड़ भी बेच के खा गए पेड़ों की, पेड़ों की जड़ भी बेच के खा गए, कह दिया गया सड़क बनेगी, ये हुए वहाँ सपा सरकार में, ये भी इसमें बता दो अब इसमें योगी सरकार में कहीं काम हो रहा। सबसे बड़ी व्यवस्था तो यह है गुंडागर्दी नहीं, मील में रात ने चले जो, दिन में चले जो, झोटा बार बांध दो, भितर बांध लो, मैथ बांध लो, को गुंडागर्दी यही नहीं नाम चीज की, सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही है। और भाई योगी मोदी है चीन जैसा हटा दिया उल्टा पूरे विश्व में आज पहले नंबर पर बात है, और ये डरते कांग्रेस वाले तो डरते सड़क भी नहीं बनावा थे वहाँ से पहाड़ों में। हाँ इससे बढ़िया बात हो इसके सके पेमिट सही मिल जाओ, साल के साल में मिल जाओ, और क्या दिक्कत है, ये बैठे वहाँ से धरने पर नो बता दो इस पश्चिम में तो कौन से ना चाह गए मौका बा सरों ना गंडों का चाह एक भी नहीं मांगता, अति इससे बढ़िया व्यवस्था तो सबसे बड़ी तो गुंडागर्दी भाई है नहीं, योगी रहेगा सही रहेंगे अनि रोज मरा कट्टे थे, इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता।